क्या हो गया? बाहर आइए आप। हाँ भाई, क्या दिक्कत है? सर, एक तो आपने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई हुई और ऊपर से आप रेड लाइट भी जंप कर रहे हैं, आपका चलान कटेगा। देख मेरे भाई, चलान तो ना कटवो। सर, बिना चलान काटे तो मैं भी नहीं छोड़ने वाला आपको। देख, मेरा भाई है या क्या SHO, और तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से साइड हो जा और गाड़ी जाने दे। सर, अगर आपका भाई सीरियस SHO है तो उन्हें पता होगा कि सीट बेल्ट लगाना कितना जरूरी होता है और रेड लाइट भी जंप नहीं करते। कुणाल, लगता है ये ना ऐसे मानने नहीं वाला, तुम अपने भाई को कॉल कर ही लो। देख, आखिरी बार कह रहा हूँ, चुपचाप साइड हो जा और गाड़ी जाने दे। देखिए सर, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, और आपके नंबर प्लेट पे मैंने चालान भर दिया है, आपके फोन पर आ गया होगा 2500 रुपये। मेरी भलाई का ना ठेका नहीं ले रखा तूने, और तूने चालान काट के तो बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरा फोन दिए। हेलो भाई, एक ट्रैफिक वाला है, चालान काट दिया उसने। तूने बताया नहीं कि तेरा भाई SHO है? बताया तो था पर फिर भी नहीं मानना। फोन दे उसको। ये लो। हेलो, SHO रणवीर बोल रहा हूँ। जैन सर, तूने मेरे भाई का चालान काटा है? सर, इन्होंने सीट बेल्ट भी नहीं लगा रखी थी और इन्हें रेड लाइट भी क्रॉस किया। तो क्या हो गया, जब इसने बोला भाई SHO है फिर भी तूने चालान काट दिया? सर, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ ना। ड्यूटी गई भाड़ में, जाने दे इसे। लेकिन सर, अब तो चालान कट गया। हाँ तो क्या हुआ, भर उसे अपनी जेब से। सर, मेरी बात तो सुनो। सर, हेलो सर, हेलो कर ली अपनी ड्यूटी, हो गया ना सुबह सुबह नुकसान, बारिश का चलान। सुनो, इस कार को ना ध्यान से देख ले और नंबर को अपने दिमाग में फिट कर ले, आगे से इस कार को हाथ मत दे दियो। अब साइड हो और गाड़ी जाने दे। ईमानदारी से नौकरी करे तो लोग करने नहीं देते, और बेईमानी से हमें नहीं करनी आती, अब करे तो करे क्या। देखिए सर, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई और इमरजेंसी में आपके एयरबैग भी नहीं खुलेंगे, कुछ भी हादसा हो सकता है, तो आपका चालान तो कटेगा ही। सर, सीट बेल्ट तो नहीं लगाऊंगा मैं, क्या है ना, सीट बेल्ट लगाने से ड्राइवर वाली फील आती है। आप एक काम कीजिए, चालान काट लीजिए मेरा। सर, अरे तुम्हें चोट कैसे लगी? सर, वो मेरा कल एक्सीडेंट हो गया था। कैसे? सर, गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी और मैंने सीट बेल्ट भी नहीं पहनी थी, पर रेड लाइट भी क्रॉस कर दी थी। सामने से एक ट्रक आ रहा था तो गाड़ी उसमें, सर ये आपके 2500 रुपये जो आपने कल हमारा चालान पे किया था अपनी जेब से। सर, मैं अच्छे से समझ गया पर समझने में काफ़ी देर हो गई। सर, मतलब ये कि कल के एक्सीडेंट में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को खो दिया, और अगर कल मैं सीट बेल्ट लगा के रखता तो गाड़ी के एयरबैग खुल जाते और वो मेरे साथ होती। सर, सर मुझे समझ आ गया है कि सीट बेल्ट कितनी जरूरी है, आगे से मैं सीट बेल्ट लगाकर चलूंगा। और ये लीजिए मेरे चालान के पैसे। खास ये बात सबको समझ आ जाए कि 4-व्हीलर पर सीट बेल्ट और 2-व्हीलर पर हेलमेट कितना जरूरी है।